इसी के साथ अगली कॉलर है अर्शी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी? आपका सवाल। असल में मुझे दो तीन लाइक पेशेंट के बारे में मालूमात करनी है, तो आप कॉल जल्दी मत कट कीजिएगा। जी जी तो मेरी उम्र 22 है एंड मुझे नाक की प्रॉब्लम रहती है। लाइक ये कुछ सालों से है, लाइक 5-6 साल हो गए हैं। पहले तो धूल में जाती थी तो मुझे एलर्जी हो जाती थी, लाइक छींकें आने लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया है बोलते तो, अब तो बहुत ही हल्दी जल्दी धूल में नहीं भी जाती हूँ, तो अभी ये नाक में ऊपर कुछ अलग सा लगता है, जैसे कि अब मैं कुछ कुछ कर रही हूँ नाक में, या जैसे कि अब मैं पी भी कर रही हूँ तो एकदम आके छींकें आने लगती है, वैसे ही मुझे नाक में ऊपर अलग सा लग के और आंखों में से पानी, रेड हो जाती है आंखें और एकदम छींकें आने लगती हैं, और नाक में से पानी बहुत जा रहा है आजकल, बहुत पानी जाता है, मेरी आंखें लाल और मेरा जो नोज में बहुत ज्यादा हार्ड जाता है, बहुत पानी जाते जाते और एकदम ऐसे हो जाता है, और फिर एकदम ही फिर ठीक भी हो जाता है, वैसा लगता है कुछ है ही नहीं और एकदम एलर्जी बढ़ जाती है। तो अभी मैंने दवा ली है हकीम साहब की, जो जिसका नाम है माजून आरपीएस, तो वो मैं खा रही थी, मुझे 6 से 7 दिन हुए हैं वो खाते खाते, तो अब थोड़ा फायदा है, लेकिन ये नाक में अभी लाइक दवा खाने से पहले ही थोड़ा सा कट से होने लगी थी, 3-4 दिन पहले कट हो गए थे, एक आध दाना निकल आया था तो तकलीफ थी, लेकिन अब थोड़े ज्यादा बढ़ गए, लाइक नाक में दर्द है और दाने आ गए हैं थोड़े से, एक दो एक दो, तो उसमें दर्द रह रहा है जरा, तो आप उसका जरा बता दीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल। मेरी दादी है वो आपको। अस्सलामुअलैकुम। जी वाले सलाम। गोवंश यार, पिसने के बाद जम जाता है कि? पिसने के बाद जम जाता है? हाँ, पिसने के बाद भी जम जाता है गोवंश यार। अच्छा ठीक जी। हाँ देखिए, अगर मॉइस्चर लेगा तो जम सकता है, अगर बगैर मॉइस्चर के जम रहा है तो गलत है, और जम जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा कर ले, असली होना चाहिए, और आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है। और कोई सवाल है तो बताइए। यही होता है। अच्छा, कब से ले रहे हैं आप भी? 2-3 दिन से ले रहे हैं क्या? ठीक है। अच्छा, ये आप आधा आधा ग्राम 2 बार खा सकते हैं खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से, गौन से या जिसकी आप बात कर रहे हैं, और 2-3 महीने खाएंगे तो दर्द में इफाका होना मुमकिन है। और बिटिया जो इस्तेमाल कर रही है वो, उनको फ़ायदा शुरू हो गया, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अक्सर हम जब एलोपैथिक दवा खाते हैं तो फ़ायदा होते ही छोड़ देते हैं। इसको आपको हर सूरत में 4-5 महीने खाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हिंदी में कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाए, जो आपको रोग है वो कम इम्यूनिटी का है, इसको ज़रूरत के मुताबिक आने में थोड़ा वक्त लगता है, गर्म पानी से लें, और कोई और भी बीमारी अगर हो जाए तो उसका आप इलाज कर सकते हैं, कहीं दाने निकल जाए उसका इलाज कर सकते हैं, कहीं आपको एलर्जी हो उसका इलाज कर सकते हैं, बुखार आए बुखार की दवा लें, इसे आप 4-5 महीने खाएं। और अगर आप मुझसे चाह रहे हैं ये इलाज तो मैं चाहूँगा कि आप एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करें तो ये दाने निकलना भी बंद हो सकते हैं।